हाँ जी, तो डिफरेंट कुछ हुए हैं कि आज मेरे पट्टी खुलवाने, टांके खुलवाने और आज मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल। दूसरा, आज हम लोगों ने कैंप वगैरह भी खरीदने, कजन के पास जा रहा हूँ मैं। और बाकी मैंने व्लॉग बना लिया था, एडिट कर लिया था, डाल भी दिया था। अच्छा, पर भाई उसी टाइम मम्मा की आँख खुल गई और मम्मा ने कहा कि बेटा ये तुम अभी तक उठे हुए रात के 2:30 बजे, क्योंकि मैं रात के 2:30 बजे तक अपलोड कर चुका होना था मैंने। तो मैंने सोचा नहीं यार, व्लॉग की टाइमिंग मुझे थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। वाकई सही बात है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि यार टाइमिंग इंशाल्लाह मैं एक फिक्स करता हूँ, समझ रहे हो। बाकी बात ये है कि यार आज सुबह के वक्त आपको पता है आपके भाई ने उठना था 5-6 बजे और रात के 2:30-3 बजे में जाके सोया हूँ। तो सुबह टाइम भाई जब मेरी आँख खुली तो पता लगा कि 8 बज चुके हैं। तो भाई फिर मेरे जो सर दिमाग की बत्ती गुल, फिर मैंने कहा कि यार फटाफट तैयार तैयार, तू रो तो ऐसे ही निकल जैसे ऊपर कमीज पहन तो निकला। 8:30 बजे में तो भाई अब निकलने लगा, बहुत लेट हो गया हूँ। अच्छा, इतना रश हो रहा है, क्या बताऊँ हम लोग। गजब बेइज्जती। अभी ये आई है मेट्रो, आई है ठीक है, इस तरह के भी 3-4 अभी और आएंगे, उसके बाद जाके हम लोग की बारी आएगी। हाँ जी, तो भाई साहब जॉनसन लेट हो चुके हैं, आपको पता है इतना ज्यादा रश था ना। नहीं, पिछला जॉनसन व्लॉग ना यार, वो ना मैं अभी पब्लिक कर रहा था भाई, नाश्ता नुश्ता आपके भाई ने कोई नहीं किया हुआ, बस ऐसी मुंह चुक के जा रहा हूँ मैं। तो क्या नाचो मैं? शोक शोक लगेगी तो हम लोग रास्ते में हम लोग नाश्ता नुश्ता करेंगे। तो अभी देख रहे हो आप लोग, ओरियन ट्रेन के स्टेशन आ चुका हूँ मैं, फिर अभी ओरियन ट्रेन बैठते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं। ठीक है भाई, प्यास वगैरह बहुत लग रही थी तो मैंने सोचा चलो यार ये नींबू का जूस पी लेते हैं। भाई साहब इतनी जल्दी मैंने पी लिया ना, आप लोगों की सोच होगी, मतलब इतनी ज्यादा प्यास लगी हुई थी ना आपके भाई को। अच्छा, ऊपर से मेरे हाथ में अभी ये है। तो यार मैंने ना फोन किया अपने कजन को, मैं कहा यार लेट हो रहे हैं तो बारो बार ही निकल जाएंगे, आगे इतना लेट हो गए तो भाई साहब सोए हुए। तो अब जा रहा हूँ उसके पास ही जा रहा हूँ, वो कहते हैं यार तू ना इधर ही आ जा मेरे पास, तो हम लोग डायरेक्ट ही निकल जाएंगे। वरना मेरा प्लान तो ये था कि भाई हम लोग बारो बार ही निकल जाएंगे। यार आज ना धूप चुप कोई नहीं है, ये देखो जरा। लेकिन आपको पता है जब इस तरह का मौसम हो तो जोन सा ना हब्बस वगैरह ज्यादा होती है। हाँ जी, तो यार मैं फूफो के घर आ चुका हूँ, आपको पता है यार आगे काफी ज्यादा लेट हो चुके हैं और ये भाई साहब सोए हुए थे, लेट हो गए काफी ज्यादा। तो थोड़ी देर तक निकलते हैं, नाश्ता नुश्ता करते हैं, फिर हम लोग निकलते हैं। भाई साहब प्रैंक हो गया आपके भाई के साथ, अभी सुबह उठा हूँ इतनी मुश्किलों से। यार आपको पता है अभी सोया ही था मैं रात के 2:30-3 बजे, तो घर वालों ने कहा था बेटा सुबह सुबह पहुँच रहे हैं, डॉक्टर ने आना है आपके टांगे टूंगे चेक करवाने। असल में जिस हॉस्पिटल हम लोगों ने जाना है ना, उस हॉस्पिटल में ना मेरी खाला है, वो डॉक्टर है। तो मम्मा को अभी मैसेज किया है कि जो उनसे ना डॉक्टर अभी नहीं आ रहा, मतलब चेकअप नहीं होगा। और भाई ये भी फजूल का चक्कर लगा है, बस अब कैंप लेंगे हम लोग और इंजॉय करेंगे। सब नींद छीन चाट हो चुकी है आपके भाई की, भाई सारे रेडी हो चुके हैं। मैं ये देखें, ये लोंडा चेक करें, आए 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 ड्रेसिंग चेक करें। असल में ना हम सब ने सोचा कि चलो सलवार कमीज पहन के हम लोग शॉपिंग वगैरह करते हैं। अच्छा, मजा आएगा यार। अभी हम लोगों का प्लान था गाड़ी पे जाने का, लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है ना, और पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है ना। अभी हम लोग सोच रहे थे यार कितना कितना हम लोग पेट्रोल डलवाएं, ऐसे जाते ओरिएंट ट्रेन फिर मेट्रो वगैरह, थोड़े पैसे पूसे भी बच जाएंगे, थोड़ा शुगर भी लग जाएगा। तो अब हम लोग वैसे जा रहे हैं। चलो यार, चलो चलो भाई। कोई भी ब्लॉगर अपने ब्लॉग में ये सब चीजें नहीं दिखाता, सब छुपाते हैं। भाई साहब वहां पर एक्सीडेंट हो चुका है, काफी बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, ये देखो जरा एक्सीडेंट हुआ बड़ा वहां पर, वो देखो जरा कितनी आवाम वहां पर इकट्ठी हुई पड़ी। ओए होए, ये देखिए इस बंदे का सारा सामान गिर गया, और ये मेरे ख्याल गाड़ी वाले के साथ बचा है। और ये देखिए जरा गाड़ी, वो पीछे गाड़ी वाले की हालत चेक करें। मैं उस जगह पे जाके ये बड़ी अच्छी बात कही यार, यहाँ पर इस तरह की चीजें होती रहती है। भाई साहब वहां पर बोतलें भी गिरी हुई है, वो देखो जरा टूटी बड़ी बोतलें, आप लोगों अगर नजर आए सही। भाई पूरे पाकिस्तान के पकोड़े लगे हुए, तो मैं कहता हूँ कि आप लोग भी जोन सा जिस तरह हम लोग जा रहे हैं ना, ऐसी सफर करें, पेट्रोल स्टोर भी बचेगा और बचत भी होगी। तो आपको पता है एसी वाली गाड़ी होती है तो मजा आएगा आप लोग। मैं आप लोगों को सही मशवरा दे रहा हूँ, आप लोग भी जोन सा ऐसी सफर करें भाई जब तक कि पेट्रोल महंगा है। गालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए, क्या हम जाएंगे। तो यार ट्रेन टून आ गई, तो हम लोग कहाँ पर अंदर जा रहे हैं। तो भाई साहब ये देखो एसी उसी लगा हुआ, मैं आपको सही कह रहा हूँ, मशवरा दे रहा हूँ, आप लोग अपनी गाड़ियाँ गुड़ियाँ छोड़ें, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है ना कि मैं सही कह रहा हूँ आप लोग कौन सा ना इसी तरह सफर करें तो इजी रहेंगे आप लोग। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, यार लबे सीरी सा लग रहा है। ओ भाई ये स्टेशन आ गया जी, चलो 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 भाई आ जाओ भाई।
भाई बड़ा खज्जल हो रहे हैं हम लोग दरअसल ना एक शॉप देख कर आए हैं यूट्यूब पे, तो वहाँ पर जो सर हम लोग को ये कैपकॉम मिल सकता है, बहुत मुश्किल हो रहा है यार उसकी दुकान ढूंढना। हाँ जी भाई साहब, हम लोग जो सर ना भाई की शॉप ढूंढ रहे थे काफ़ी देर से, तो हम लोग को अब जाके मिली है। भाई के साथ सौदा शौदा डन हुआ है, तो हम लोगों ने ये कैंप लिए हैं। ये हम लोगों ने लिया है 5,000 का, और जो ये है ये कितने के लिए? 4,000 का। तो जॉनसन आप भाई पैसे पूछे दे रहा है भाई, तो फिर ये लेते हैं। इसके बाद यार आपको पता हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्योर सामान लेना है, तो बजट हम लोगों का यहाँ पर ही आउट हो चुका हुआ है। पता नहीं हम लोग लेते हैं नहीं लेते हैं, हम लोगों ने लाइट्स वगैरह और पता नहीं क्या क्या कुछ लेना था, तो खैर अभी देखते हैं क्या सीन होता है। खोल के दिखा रहे हैं, तो कैंप हम लोगों ने ले लिया और बाकी अभी इधर तो खोल के हम लोगों को बताएंगे, और दूसरा हम लोग घर में जाके ग्राउंड में जॉनसन अपने लोन में खोल के देखेंगे मुकम्मल। ये वाला जॉनसन ना ऑटोमेटिक है, क्योंकि हम लोग जॉनसन फैमिली के साथ होंगे तो आपको पता है इशू बन सकता है, तो इशू ना बने तो उसके लिए जॉनसन ये ऑटोमेटिक वाला लिया है। कैंप कुम्प ले लिया वह आपके भाई ने, ठीक है ये देखो ज़रा। बाकी यार सीन ये है कि इस बंदे को मैंने कहा था कि पावर बैंक लेता, पावर बैंक बल्कि लाया है, सिर्फ एक ही सेल अभी लगाते साथ जॉनसन। चलो जी टाटा बाय बाय खत्म। तो बाकी ये देखो यार 15-20% तकरीबन मेरी रहेगी बैटरी इसकी, बाकी जो रह गए वो घर शहर जाके जॉनसन करते हैं। जी यार तो नहानू कर आ गया हूँ, ठीक है शुक्र है यार, बड़ा मजा आया कसम से नहा के। मुंह यार आपको पता बड़ा जो सा ना खराब हो चुका होता है, तो आप जो सा हम लोग खोल के देखते हैं। अब ये वाला टेंट हम लोगों का है, कैंप सॉरी व्लॉगर भी आया चेक करो। और जो दूसरा है वो ये वाला कैंप है, ये वाला मैनुअल है, और जो सा वो वाला है वो ऑटोमेटिक वाला है। हाँ जी भाई हम लोगों ने लगा लिए हुए, ये चेक करो एक ये 8 बंदों को कहते हैं, लेकिन इसमें जो ना आराम स्कूल से 6-7 बंदे आ जाते हैं। ये देखें जरा ये बंदा इस तरह, ये पूरा ये हम लोगों ने लिया है, बॉनफायर भी करना इसके अंदर तकरीबन जॉनसन जी 4 लोग आ जाते हैं इजीली, ठीक है। और ये थोड़ा सा सेफ्टी है रेन के लिए, क्योंकि इसके नीचे जॉनसन ये देखें ये तरपाल टाइप की साथ सा मिलता है, ठीक है, तो इससे थोड़ा मजेदार सीन सा हो जाता है। बस मज़ा आने भाई, बहुत मज़ा आने वाला है यार, समझ रहे हो। आप लोगों ने लास्ट में वीडियोस देखनी है, ठीक है, हो सकता है हम लोग एपिसोड बनाएं, व्लॉग आएंगे इंशाल्लाह ताला, बहुत मजा आएगा। अब मल्ले वाले सारे देखेंगे ये क्या चीज लग गई है। अच्छा तो ठीक है यार, देखो टेंट टूट भी आ गए सब कुछ आ गए, अब मैं भी जोन से वीडियो एडिट करता हूँ, और फिर अपने व्लॉग की एक अच्छी टाइमिंग आप लोग बताऊंगा कि यार कब मेरे व्लॉग आया करेंगे। तो ठीक है यार, फिर अभी तक के लिए इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है, नहीं लगी फिर भी इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर्स को क्रॉस करना है। हाँ जी तो ठीक है यार, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।